कानपुर जिला पंचायत कानपुर में नगर में जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उनमें अधिकारियों द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितताएं दिखाई दे रही हैं। जिला पंचायत कानपुर नगर में हो रही वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में कानपुर जिला अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। जानकारी के लिए बता दें, जिला पंचायत कानपुर में जो भी टीन शेडों का निर्माण कार्य हुआ है उसमें बहुत ही घटिया सामग्री व हल्की टीन शेड का लोहा लगाया गया है तथा जिला पंचायत के द्वारा जिले में बिजली द्वारा जलने वाली हाई मास्क लाइट लगाई जा रही है जिसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ा मनाया गया है तथा घटिया व लोकल लाइटें लगाई जा रही हैं जो कुछ दिनों में खराब हो जाती हैं। जिला पंचायत के द्वारा जो भी विकास कार्य कराए जा रहे हैं, सड़क, डामर रोड या अन्य जो भी विकास कार्य कराए जा रहे हैं उसमें भारी अनियमितता एवं घटिया माल का प्रयोग किया जा रहा है जिसके चलते लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कार्रवाई की मांग को लेकर कानपुर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। हम जिला पंचायत सदस्य हैं मुस्ता से। आज जिला पंचायत जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बाबत में हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और भ्रष्टाचार कई तरीके से हो रहा है कि जैसे जो लाइटें हैं हर मास्क लाइटें, आई मास्क लाइट हो, पोल वाली लाइट हो, इसमें वितरण में भी जिला पंचायत सदस्यों की अनदेखी की गई है। जिला पंचायत सदस्यों को 438 लाइट प्रति सदस्य को मिलनी चाहिए थी जिसमें 300 लाइटें मात्र दी गई हैं। इसी तरह से आई मास्क लाइटें 9 लाइटें मिलनी चाहिए जो कि 7 लाइटें दे करके जिला पंचायत सदस्यों को गुमराह किया गया है। इसके अलावा बराबर जिला पंचायत सदस्यों को धमकी दी जा रही है कि अगर आप लोग शिकायत करेंगे उच्च अधिकारियों से तो आपको काम